बीते 10 साल में मोदी सरकार ने जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया है उसकी एक लंबी कहानी है। कहते हैं ना, पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। सरकार ने आते ही जो किसानों के खिलाफ एक के बाद एक निर्णय लिए, उससे ये कहावत न सिर्फ चरितार्थ हुई अपितु 75 करोड़ किसानों के मन में अंकित हो गई कि किसान विरोधी नरेंद्र मोदी। सत्ता में आते ही सबसे पहला निर्णय मोदी सरकार ने लिया कि किसानों को जो 150 रुपए का बोनस धान और गेहूं पर प्रांत की सरकारें दिया करती थी समर्थन मूल्य के ऊपर, वो जून 14 में एक आदेश जारी करके सभी राज्यों को कह दिया कि अगर ये बोनस आपने देना जारी रखा तो हम आपका समर्थन मूल्य पर से अनाज खरीदना बंद कर देंगे। दूसरा निर्णय लिया दिसंबर 2014 में, जब एक के बाद एक अध्यादेश लेकर आए किसानों की भूमि के उचित मुआवजा कानून, जो कांग्रेस पार्टी ने, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से बनाया था, उसको रोनने के लिए 3 अध्यादेश लेकर आए। उसके बाद 6 फरवरी 2015 को सर्वोच्च अदालत में एक शपथ पत्र दिया और ये कहा कि अगर किसानों को लागत का 50% ऊपर समर्थन मूल्य दिया तो बाजार डिस्टॉर्ट हो जाएगा, अर्थात व्यापारियों के साथ मोदी सरकार खड़ी हो गई और इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो 50% समर्थन मूल्य कॉस्ट के ऊपर देने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बरेली की रैली में 28 फरवरी 2016 को एक घोषणा की कि 2022 तक किसान साथियों आपकी आय दोगुनी कर दूंगा, मगर पता लगता है कि 10 वर्षों में NSSO बताता है कि किसान की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन रह गई है और 74,000 रुपये का औसत कर्ज किसानों पर देश भर में हो गया। फरवरी 2016 में ही खरीफ सीजन में सीहोर में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित किया और कहा कि विश्व की सबसे अच्छी फसल बीमा योजना में किसान भाइयों के लिए लेकर आ रहा हूं। उसका हश्र ये हुआ कि आज निजी कंपनियों ने 64,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, किसानों को तो उसका लाभ नहीं मिला मगर निजी कंपनी मुनाफा योजना बनकर ये योजना रह गई। फिर हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड के समय आपदा को अवसर में तब्दील करना है, तो अपने मुट्ठी भर धन्ना सेठ दोस्तों के लिए 2020 में फिर अध्यादेश लेकर आए और कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आए गए। अब आज पता लगता है कि वो क्रूर काले कानून, नीति आयोग में उसका मसौदा, एक अमीरी उद्योगपति भारतीय मूल के शरद मराठे, उन्होंने ये प्रस्ताव दिया था जिसको ये कृषि के क्रूर काले कानून के रूप में लेकर आए। वो कानून भी इसलिए लेकर आए थे कि एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके वैल्यू चेन पार्टिसिपेंट्स को असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति, भंडारण की अनुमति दे दें और उससे वो असीमित मात्रा में भंडार करके ऐसे समय फसलें बाजार में बेच दें जिस जब किसानों की फसलें आने वाली हो और प्राइजेस क्रेश हो जाए और किसानों को फसलों के दाम नहीं मिल पाए। मोदी सरकार ने बीते 10 साल में 25,000 रुपये हेक्टेयर खेती की लागत बढ़ा दी। वो लागत बढ़ाई खाद पर, कीटनाशक पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर, इन पर 12-18% तक GST लगा दिया गया, डीजल की कीमत बेतहाशा बढ़ा दी, तो इनपुट कॉस्ट 25,000 रुपये बढ़ गई। एक चौंकाने वाला खुलासा हाल ही में हुआ है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, जो रिपोर्ट है 69th नंबर की, उस रिपोर्ट में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि नरेंद्र तोमर साहब जो तत्कालीन कृषि मंत्री थे वो नरेंद्र मोदी जी को 2017 से चिट्ठी लिख रहे हैं कि आप एग्रीकल्चर इनपुट्स पर, अर्थात कृषि यंत्रों पर, मशीनों पर, ट्रैक्टर्स पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर, हार्वेस्टर पर से GST रेशनलाइज कीजिए या हटा दीजिए। और ये कहते हैं वो उस कमेटी के सम्मुख कि मोदी सरकार ने हमारी एक नहीं सुनी,
तो कमेटी ने रिप्लाई में ये कहा है कि हम मानने को तैयार नहीं है कि 2017 से आप कह रहे हैं और मोदी सरकार इसका संज्ञान नहीं ले रही। आज विशेष रूप से इस पत्रकार वार्ता को जो जब हम संबोधित कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि रबी सीजन 2025-26 के लिए मोदी सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की है, न पर्याप्त खरीदी की जाती है, न उचित दाम दिए जाते हैं, न समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी का इंतजाम किया जाता है। मोदी सरकार ने किसानों के पीठ पर लाठी और पेट पर लात 10 वर्षों तक मारी। तो ये रबी सीजन 2025-26 के लिए जब समर्थन मूल्य की घोषणा की तो अब एक तुलनात्मक अध्ययन हम आपको देते हैं, जुमला नाथन समिति का एमएसपी और स्वामीनाथन समिति का एमएसपी। जुमला नाथन समिति ने 2.4 से 7% तक इस बार समर्थन मूल्य रबी सीजन का बढ़ाया है। गेहूं के लिए जो जुमला नाथन समिति है उसने 2425 रुपए की घोषणा की है, जबकि स्वामीनाथन के अनुसार, स्वामीनाथन कमेटी ने क्या सिफारिश की थी, मोदी सरकार जो देती है वो A2 प्लस FL, अर्थात A2 का अर्थ हुआ कि जो बेसिक इनपुट कॉस्ट है, खाद हो गया, बीज हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, FL अर्थात फैमिली लेबर। और स्वामीनाथन जी ने कहा था इसमें C2 अर्थात इन दोनों के अलावा रेंट भी लैंड का ऐड करें तो मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य बनता है, वो भी लाभकारी मूल्य नहीं बनता है। तो गेहूं पर 2425 जुमला नाथन समिति की सिफारिश है जो स्वीकार की कैबिनेट ने, और स्वामीनाथन 2580 रुपए, जो का 1980 रुपए इन्होंने घोषित किया है, स्वामीनाथन के अनुसार वो 2605 रुपए होता है। चना का 5650 है और स्वामीनाथन का 6993 रुपए, अर्थात सरसों हो, मसूर हो, कुसुम हो, जो चना, सब में जमीन और आसमान का अंतर है इन दोनों की कॉस्ट। अब एक बड़ा खुलासा यह होता है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों ने जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस को अपनी तरफ से लिखकर भेजा था, वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा खुद इनकी रिपोर्ट में हुआ है। महाराष्ट्र ने गेहूं के लिए यह कहा था जुमला नाथन की सरकार को कि आप हमको गेहूं का समर्थन मूल्य 4461 रुपए, गौर से सुनिएगा, 4461 रुपए दीजिए। वो इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी लागत ही 3527 रुपए आती है महाराष्ट्र में गेहूं के उत्पादन की, और इन्होंने 4461 रुपए की तुलना में क्या दिया है, 2425 रुपए। मतलब 50-60% जो महाराष्ट्र ने मांगा उससे कम कर दिया। इसी प्रकार झारखंड ने 2855 रुपए गेहूं का मांगा, खुद मोदी जी जिस प्रांत से आते हैं गुजरात प्रांत, वो 4050 रुपए मांग रहा था समर्थन मूल्य 25-26 का गेहूं का। चना भी महाराष्ट्र एक ऐसा प्रांत है जो चना 24-25% अकेला महाराष्ट्र प्रांत में चना का उत्पादन होता है, उससे पहले होता है मध्य प्रदेश में 26%। तो ये दो बड़े प्रांत है जहां पर चने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा मोदी सरकार को कि 7119 रुपए आप चने का समर्थन मूल्य घोषित कीजिएगा 25-26 में, और इन्होंने चने का समर्थन मूल्य 5650 रुपए किया है। आंध्र प्रदेश ने 8341 रुपए मांगा था, गुजरात ने 7050 रुपए, अर्थात जो भाजपा शासित प्रांत है उन्होंने भी चने के जो समर्थन मूल्य की के लिए अपनी तरफ से सुझाव भेजे थे, सिफारिश की थी, वो इन लोगों की घोषणा से बहुत बड़ा अंतर उसमें है। मसूर के लिए बिहार और मध्य प्रदेश ने 7298 रुपए और 6825 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 6700 रुपए घोषित किए हैं। सरसों के लिए बिहार ने 7298 और असम ने 6215 रुपए मांगा था, इन्होंने सिर्फ 5950 रुपए घोषित किए हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो 2014 के पहले मोदी जी भाषण देते थे कि क्या बंद कमरे में समर्थन मूल्य तय होना चाहिए, क्या भाइयों बताइए, तो ये एक सिर्फ जुमला साबित हुआ किसानों के साथ कोठाराघात का।